Guys, welcome back. This is Bushir Dholakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all in my channel. So aaj ka jo video hai wo hone wala hai, it's a very fun video, it's a very comedy video as well, because aaj ka jo video reaction hum dene wale hai wo hai one of the very famous serial of Indian television. Mujhe yakin hai ki ye aap sab ki bhi favorite hogi. It is Tarak Mehta ka Ulta Chashma. Uske jo characters hai, uski jo storyline hai, I think wo sabko pasand hai. Uske jo episodes hai wo repeat pe bhi log utna hi dekhte hai jitna ki unke jo लाइव टेलीकास्ट को या उनके जो नए एपिसोड्स को देखते हैं. सो आज का जो वीडियो है वो है जेठालाल ठग लाइफ पार्ट 3. एंड यू नो जेठालाल का जो कैरेक्टर है जो दिलीप जोशी प्ले करते हैं, ही इज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर और यू नो बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अपने रोल को प्ले करते हैं. बहुत ही उनकी जो टाइमिंग है बहुत ही अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ द कॉमिक टाइमिंग और उनकी एक्टिंग भी कमाल की है. सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर यू वॉच दिस एंटायर वीडियो. इफ यू लाइक माई रिएक्शन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल. सो या Let's see the video first. ये किसको फोन कर रहे हो तो पुलिस का? अरे रोको इसको, भाभी क्या कर रहे हो? एक मिनट. अरे नहीं, पुलिस को फोन नहीं किया जेठालाल, ये तो किसी पनौती को फोन किया. फंस गया. ये पनौती कौन है? इधर क्या आग लगी है क्या? फायर ब्रिगेड वाला को बुलाना ही पड़ेगा. जेठालाल, ऐसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमक दल ही लोगों की मदद करता है. बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई, चल. टप्पू जिद नहीं करते, खा ले. बाजू में रहिए ना. ये देख बहू, टप्पू खाना नहीं खा रहा है. टप्पू ये गलत बात है. अरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए. तो बापू जी ने बचपन से सब सब्जी खाई है, तो देख कैसी है बॉडी. खत्म गया. वो मैं दया को ढूंढ रहा था, आपको मालूम होगा कहाँ है? रंगोली के पास. अच्छा. 2000 years later. ये रंगोली कहाँ है? बहू के पास. अच्छा. 6.5 hours later. और दोनों कहाँ हैं? आसपास. ये आसपास कहाँ होगा? Run. हेलो. हाँ कौन बोल रहा है? एक मिनट दर. हाँ अबू जी, गाँव से नाथिया का फोन है. किसका? नाथिया. ये डोबा, मुझे पता है नाथिया कौन है. आपका साथिया है? बबीता जी को फोन करता हूँ. बबीता जी, उन्होंने क्या कपड़े पहने? हेलो बबीता जी. कौन? जेठा. कौन बोल रहे हो? अरे जेठालाल. सच में बिजली गिर गई इसके ऊपर. जिठा जी, हाय. हेलो. हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे. क्यों? ये रसगुल्ले देने थे आपको. नहीं चाहिए रसगुल्ले. अपनी खुद कर सी का अंजाम देखेगी. ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी. ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी. बड़े दुख के साथ तो मुझे कहना पड़ रहा है कि तू अभी मुंबई मत आना. क्यों जी? क्या जी? वो क्या है कि इस साल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग होली नहीं मनाने वाले. अच्छा हुआ जी, अभी आपने मुझे जल्दी बता दिया, मैं अभी निकलने वाला ही था. ले तो बहुत टाइम पे फोन किया मैंने. हाँ तो पक्का तो भी मुंबई मत आना भाई. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. बता दिया नहीं आ रहा है मुंबई. चलिए छोड़िए सेठ जी, आइए गन्ने का रस पीते हैं. यहाँ मेरी लंका जल गई है, तुझे रस की पड़ी है? लंका? आप अपने आप को रावण समझते हो? और मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ. सूरज अस्त, हम सब मस्त. दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता. खत्म गया. हाँ ये बहू लेकर आई है मेरे लिए. वाह, भगवान ने बेटी से भी बढ़कर बहू दी है. खूब सेवा करती है मेरी. और बेटा भी तो श्रवण जैसा दिया है बापू जी. नाश्ता कर ले.
चोपड़लाल तुमको कितनी बार बोलने का कि पंडित महाराज सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है, साइंस साइंस। तो अय्यर भाई ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है? कुछ साइंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाए? गंजे से पर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? म्यूजिक तपो, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। पापा मैं भी आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे गंजा होना है, वरना वरना क्या वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे तो क्या तेरा बाप स्कूल जाएगा? ओके आप जाना। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई। Alright, so that was the Thug Life of Tarak Mehta ka Ulta Chashma. Oh boy, kya बेहतरीन सीरियल है, क्या बेहतरीन ड्रामा है। ये इतने सालों से चल रहा है लेकिन आज भी उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है, उतना ही क्रेज है, एक जनरेशन पूरी बड़ी हो गई। मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तब ये शुरू हुआ था उसके आसपास, और अभी भी ये उतना ही पॉपुलर है और लोग उतना ही उसको देखने को पसंद करते हैं। हाँ ये थोड़ा है कि समय के साथ साथ ऑफकोर्स थोड़ा सा चेंजेस हुआ है और स्टोरी लाइन भी थोड़ी सी चेंज हुई है। इट वॉज अर्ली ऑन वॉज अ प्योर कॉमेडी सीरियल, बट नाउ उन्होंने थोड़ा टेली शॉप के हिसाब से ले लिया है, मैसेजेस वगैरह भी देते हैं अच्छे, मोटिवेट एक आपको सही राह पे दिखाने की कोशिश करते हैं। बट हैविंग सेड दैट इतने सालों से सस्टेन करना इट्स नॉट ईजी। और इस थग लाइफ की बात करें इसमें भी वो सारे एपिसोड्स थे जो पुराने एपिसोड्स थे ज़्यादातर, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है कंपेरेटिवली आज के। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज के एपिसोड्स उतने पॉपुलर नहीं है, बट आई थिंक जो पुराने एपिसोड्स थे वो तो हम सब एग्री करेंगे कि देर वर समथिंग एल्स, उसको देखने में ही बहुत ही मज़ा आता था और कैरेक्टर्स भी अच्छे थे। हाथी भाई थे उसमें जो कि चेंज हो गए, पुराने सोढ़ी साहब थे, उसके अलावा पोपटलाल और भिड़े, तारक मेहता साहब और इन सब की एक अलग ही जुगलबंदी होती थी, स्पेशली जब वो सोडा शॉप पे मिलते थे या पार्टी शार्टी का प्लान्स करते थे। इस थग लाइफ की भी बात करें अमेजिंग, आई थिंक देखने को मज़ा आया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई और बहुत कुछ आई थिंक जो है पुरानी चीज़ें याद आ गई, क्योंकि ये सारे एपिसोड्स ज़्यादातर एपिसोड्स मैंने देखे, मुझे पता है कि उसके स्टोरी लाइन क्या है। और बात करें जेठालाल की या बात करें चंपक चाचा की, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स और वो जिस तरह से उनकी जो टाइमिंग है एक दूसरे के साथ वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस भी है ऑफकोर्स, तो वो दिखता है इस तरह की एक्टिंग में, इतना आसान नहीं होता हर रोज़ किसी को उसी इंटेंसिटी से हंसाना। आई थिंक बहुत ही मेहनत करते हैं वो लोग और बहुत ही आई थिंक एफर्ट्स के साथ इतनी सीरियल बनाई जाती है, इतनी सस्टेन की जाती है। सो या आई थिंक इट वॉज़ फैंटास्टिक वीडियो, आई डेफिनेटली एन्जॉयड इट, आई एम श्योर आपने भी उसको ज़रूर एन्जॉय किया होगा और मुझे यकीन है कि आपने भी इस वीडियो को साथ साथ अपनी जो पुरानी याद है उसको भी ताज़ा किया होगा। ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा कि आपका तारक मेहता में कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, आपको क्या पसंद है तारक मेहता की बातें और आपको कौन सा एपिसोड जो है वो उसका फेवरेट लगता है। या हैविंग सेड दैट इतना ही रखते हैं गाइस इस वीडियो में। अगर आपके पास ऐसा कोई भी वीडियो जो आप चाहे कि मैं रिएक्शन दूं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। साथ में इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसको लाइक कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम आए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और या इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आई विल सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।